आप सभी का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं। मैं कुमार राजा, रांची महानगर अध्यक्ष। हमारे साथ राकेश किरण जी बैठे हैं, तो जो रांची जिला ग्रामीण के अध्यक्ष हैं। हमारे दाहिने तरफ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदेश महासचिव श्री राकेश सिन्हा जी बैठे हैं। बाईं तरफ शहबाज अहमद जी जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। त्रिवेदी जी है जो कि कार्यालय प्रभारी है। संजय जी है जो रांची ग्रामीण जिला कांग्रेस कार्यालय प्रभारी है। आज की बैठक का जो मुद्दा है वो है भारत जोड़ो यात्रा। आप सभी को पता है कि माननीय श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से काश्मीर तक पैदल पदयात्रा की घोषणा की थी, और आप देखेंगे आधा से ज़्यादा यात्रा पूरी हो चुकी है, और अभी भी उस यात्रा में आप जहाँ से पार हो रहा है वह यात्रा आप देखिए, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, आम नागरिक आ रहे हैं, देश के गणमान्य लोग आ रहे हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, वो चाहे सिनेमा का क्षेत्र हो, सीरियल हो, आर्टिस्ट हो, स्पोर्ट्समैन हो, हर तरह के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। और इस यात्रा का मुख्य मकसद उसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। भले कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन इसका मुख्य मकसद कोई कांग्रेस पार्टी या कोई चुनाव या कोई राजनीतिक मैसेज देना, संदेश देना नहीं है। इस यात्रा का मकसद है कि देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, लोग पे शक कर रहे हैं, आपस में इतनी वैभत्स की भावना हो गई है, और कांग्रेस पार्टी का हम लोग का ऐसा मानना है कि जब तक देश में शांति नहीं होगी, एकता नहीं होगी, तब तक देश विकास की ओर नहीं जाएगा। तो राहुल गांधी जी का यह प्रयास है कि कैसे जो दूरियाँ आ गई है, जो मुद्दों से देश भटक गया है, उसको कैसे वापस मुद्दे पर लाया जाए। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, सड़क पे, सुरक्षा पे, इन सब मुद्दों पे वापस कैसे देश की राजनीति और सामाजिक चर्चा सोशल मीडिया का विषय बने, ये हमारा प्रयास है। इसी कड़ी में सारे राज्यों में उप यात्रा की जा रही है उनके समर्थन में, चूंकि ये पॉसिबल नहीं कि इतनी बड़ी पार्टी जो कि सारे प्रदेशों में, हर जिले में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग आपको मिल जाएंगे, सभी यात्रा को जाकर जुड़ जाए। हमारे नेता ने सब काम को छोड़ के 5-6 महीने सबसे दूरी बनाकर यह प्रयास किया कि इस पर समय दिया जाए, लेकिन सब कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए ये संभव नहीं था। उसी लिए हम लोग जहाँ पर है, जिस प्रदेश में है, जिस राज्य में है, जिस जिले में है, वहीं पर पदयात्रा निकाल कर इस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। झारखंड में जहाँ जहाँ पदयात्रा गुजरी, आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ और एक अच्छा संदेश गया है। आम जनता, काफ़ी संख्या में लोग आकर जुड़ रहे हैं, यात्रा में साथ दे रहे हैं, और हमें लगता है कि जिस तरह से राजेश ठाकुर जी जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, श्री सुबोधकांत सहाय जी जो इस यात्रा के प्रदेश के संयोजक हैं, लगातार इस प्रदेश में यात्रा कर रहे तमाम नेताओं के साथ जिलों में, इसका फल आपको आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। रांची में भी यह यात्रा 17 तारीख को है जो हम शुरू कर रहे हैं। हम लोग सब जिला स्कूल में जमा होंगे, और वहीं पर जो शहीद स्थल है, जहाँ पर शहीदों को फांसी दिया जाता था, जिसको हम एक पवित्र स्थल मानते हैं, वहाँ से शुरुआत करके, माल्यार्पण करके, सम्मान देके हम लोग पैदल निकलेंगे। फिरालाल चौक में झारखंड के शहीद श्री अल्बर्ट एक्का को हम श्रद्धांजलि देंगे, माल्यार्पण करेंगे। वहाँ से ओल्ड HB रोड होते हुए, लालपुर चौक होते हुए, भगवान बिरसा मुंडा जी की जो समाधि है वहाँ पर माल्यार्पण करके एक सभा के साथ यात्रा को समाप्त करेंगे। मुझे लगता है कि रांची चूँकि राजधानी, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है यात्रा को भव्य बनाया जाए, झारखंडी संस्कृति की झलक और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।